एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो बचपन उदास था वो करीब 10 महीने बाद आज फिर खिल उठा है। मैं इस वक्त बिहार के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर लड़कियों को आप देख रहे हैं। स्कूल चूंकि खुल चुका है इसलिए ये लड़कियाँ यहाँ पर स्कूल पहुँची हैं। क्लासेज आज से इनके शुरू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। स्कूल आई हैं करीब करीब 10-10.5 महीने बाद, कैसा महसूस हो रहा है? कितना अच्छा लग रहा है मैं जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने दिनों से हम लोग घर पे ही थे तो बोर हो गए थे, बहुत इरिटेट हो रहा था, लेकिन अब स्कूल आके बहुत मजा आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड्स से मिली हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस, दोस्तों से मिलकर के बातचीत होगी। 10-10.5 महीने कैसे सबने अपने अपने घर पर बिताए? बहुत अब खुशी होगा कि 10 इतने दिनों बाद हम लोग स्कूल आए हैं। कुछ मैथ टीचर्स, फ्रेंड्स सबको मिस कर रहे थे, अब मिस सारा खत्म हो रहा है, सबसे मिलेंगे। चूंकि आपको बता दें कि 10.5 महीने ये स्कूल्स जो हैं बिहार में वो बंद रहे हैं, बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि 4 जनवरी से सारे स्कूल्स अब खुलने लगेंगे और इसी के लिए अभी 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों को ही खोलने की अनुमति मिली है। सरकार का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो फिर विचार करेगी कि क्या छोटे बच्चों के क्लासेस शुरू होंगे या नहीं। आपको मैं पीछे की तस्वीर दिखा रही हूँ, अब एक एक करके जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, में पटना बाकीपुर हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो सब धीरे धीरे करके अब स्कूल में जाने लगी हैं। ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही है और बिल्कुल अलग तस्वीर है। ये महसूस किया जा सकता है कि बच्चे जो करीब करीब 10 महीने तक लगातार घर में पड़े हुए थे वो अब जब स्कूल जा रहे हैं तो उनको कितना बेहतर लग रहा है। आप तस्वीर देखिए, एक एक करके जो सारी स्टूडेंट्स हैं वो अब स्कूल पहुंचने लगी हैं और उनके लिए बिल्कुल नया अलग सा है। क्या नाम है? रिया भारती। कहाँ यही रहती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th। स्कूल 10.5 महीने बाद आकर के दोस्तों से मिली? नहीं, अभी तक दोस्तों से नहीं मिली है। नहीं। आपकी क्लास की स्टूडेंट्स आई हैं, बाकी लड़कियाँ? हाँ आई हैं। तो आप इंतजार कर रही हैं कि दोस्तों से मिले? ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त से उतना कोई खास मतलब ऐसे भी नहीं है हमको, क्योंकि स्कूल क्योंकि मेरा घर से बगल में, अपना स्कूल आते स्कूल तो से कोई मतलब नहीं है। बस कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसलिए तो आए फर्स्ट डे, नहीं तो अच्छा लग रहा है। आप इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? कुमारी सालनी सना। आपको दोस्तों से मिलकर अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। मिली किसी से? नहीं, अभी तो कोई दोस्त भी नहीं आए हैं, पर अच्छा लगा। अभी नहीं आई है? अच्छा, तो क्या इंतजार कर रही हैं आप? हाँ। कैसे 10-10.5 महीने एक लंबा अंतराल होता है जब घर पर बच्चे जो है वो बिताए हैं, शुरुआत में कैसा लग रहा था और अभी बोर्डम लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। टीचर्स हैं, जरा मैं टीचर्स से बात कर लूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। बच्चों को आज 10.5 महीने बाद स्कूल खुले हैं, क्या कुछ प्रिपरेशन स्कूल की तरफ से और आपके लिए बिल्कुल अलग सा होगा क्योंकि 10 महीने बड़ा लंबा अंतराल है? बिल्कुल, हमने इसके लिए बहुत वेट किया है और स्कूल तो बच्चों से ही है और हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, हमारी टीचर्स भी खुश हैं, बच्चे तो खुश हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और हम लोगों ने हर एक बच्चे को 2 मास्क देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही करना है और 50% बच्चों को हमने बुलाया है क्लास वाइज, तो ये सारी तैयारियां, साथ ही साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, जो नॉर्म है वो सब हम लोग फॉलो करेंगे और इस पर हमारा ध्यान हमेशा रहेगा। किरण कुमारी। हाँ, वरीय शिक्षक से। कहा जाहिर सी बात है, जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका तो पालन करना ही है, जैसे कि शिक्षक ने बताया कि मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो नॉर्म्स का पालन करते हुए आज बच्चों ने करीब करीब 10.5-11 महीने बाद स्कूल में प्रवेश लिया है, स्कूल में एंटर किया है और आगे जो है वो देखा जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे नहीं। फिलहाल 9th से 12th तक के बच्चों के बीच एक अलग जो खुशी है स्कूल खुलने की वो नजर आ रही है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज पटना। ABP News, आपको रखे आगे।